हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में हम लोग बताऊंगा इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये होता है दोस्तों कि अशुद्धियों का कैसे हम लोग काम किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कोई भी दवा बना रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा कठिनाई होता है जो दवा बनाने में, शुद्ध में। तो आप लोग जो दवा हम लोग बनाते हैं, हम लोग जानते हैं कि दवा जो बना रहे हैं वो शुद्ध हो, शुद्ध होगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे, अच्छा काम करेगा शरीर बॉडी में। मान लीजिए कल्पॉल हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए टोर्चेस फॉर्म, चलिए कल्पॉल ले रहे हैं, उसको मटेरियल में मिक्स करके फिक्स करके और अच्छा से टैबलेट बनाए, टैबलेट करके पैकिंग में डाले और उसके पैकिंग सेल आए, सेल किए, दूसरे आदमी को मैं प्रयोग किया, उसको दवा काम किया, तो उसको मानते हैं शुद्ध, मतलब अच्छा काम। वही डिफिकल्ट वो होता है ना दोस्तों, जो अशुद्ध हो जाता है, जो टैबलेट 400 मतलब 500 हो जाता है, उसको मैं हम लोग कैसे जाने कि शुद्ध अशुद्ध क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये बताता है दोस्तों कि हम लोग जो दवा बना रहे हैं वो उपयोग ज़्यादा हो और मतलब कम से कम ही डिफिकल्ट हो जो हम लोगों को दवा नुकसान हो। तो दोस्तों कोई भी आप लोग सामान ले रहे हैं, कोई भी आप लोग सामान सोचेंगे नहीं ख़राब हो जल्दी से, तो उसी तरह दवा है। हम लोग सोचते हैं जो फार्मास्यूटिकल डिग्री वाले हैं, जो मान लीजिए फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा है, एम फार्मा करके जो डिग्री है, मतलब अच्छा मास्टर है, वो लोग बनाते हैं तो सोचते नहीं ना इतना दवा मेरा ख़राब हो, दवा कम से कम ख़राब हो जो अच्छा से काम करे। तो दोस्तों आप लोग ये फार्मास्यूटिकल जो इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसमें यह बताया जाता है कि हम लोग कैसे दवा को अच्छे से अच्छे बनाया जाए और अशुद्धियाँ कम आए। तो इसमें बोलता है हिंदी में इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल जो है अशुद्धियों का अशुद्धियों को फार्मास्यूटिकल, तो अशुद्धियाँ का फार्माकोफिया आप लोग जान गए, इसको इम्प्योरिटी का मतलब होता है इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल। तो आप लोग अशुद्धियाँ इन फार्मास्यूटिकल, तो आप लोग जानते हैं वी नाउ डेट द सबस्टेंस डेट आर द यूज इन द इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, मतलब जो हम लोग दवा बना रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल फील्ड में अच्छा काम करें। मोस्ट वी प्यूरी मतलब अच्छा से, मान लीजिए एक जल है आप लोग जल है वो इसको फिल्टर कर रहे हैं, अच्छा मतलब बन जा रहा है, तभी तो हम लोग पी रहे हैं तो फायदा कर रहे हैं, शरीर में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वही अशुद्ध जल है जो मटेरियल जो गंदे पानी होती है, उसको पीने से बॉडी का इन्फेक्शन और ज़्यादा बीमारी फैलता है। तो इसी तरह ये दवा है 400 का डोजेस है तो 400 ही बना है, 600 मान लीजिए कल्पॉल तो 650 समझिए कि कहीं 500 तो एमजी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग प्योर करते हैं, इसमें स्रोत करते हैं, मतलब अशुद्धियाँ ना हो, इसलिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में अच्छा काम आए। तो दोस्तों ऐसे हम काम मतलब फील्ड में काम होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ वी नाउ डेट द सबस्टेंस डेट आर द यूज्ड इन द इन फार्मास्यूटिकल फील्ड मोस्ट वी प्योर सो डैट दे कैन बी यूज सेल्फली मतलब अच्छा नुकसान दे, मतलब अच्छा मतलब नुकसान ना हो, सेल्फली मतलब अच्छा काम दे, यूजफुल हो, मेरा मेडिसिन यूजफुल हो और अच्छा काम करे, यही लोग सोचते हैं। हम भी फार्मासिस्ट हैं, जिसमें आप लोग हम लोग बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो भी होते हैं वो दवाओं को नुकसान नहीं करना चाहते हैं और अच्छा से बेहतर बनाते हैं, उसी के वो कहते हैं प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो इसमें इफेक्ट क्या है, इफेक्ट दोनों बताऊंगा, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जान गए, ठीक है। बट इफ दिस वेरी डिफिकल्ट, मतलब जो हम लोग फिजिकल है, इफ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड ऑलमोस्ट प्योर सब्सटेंस, मतलब हम लोग बनाने में डिफिकल्ट होता है, जो हम लोग दवा बनाते हैं प्योर नहीं जल्दी से होता है, वी फाइंड डिफरेंट सब्सटेंस एंड केमिकल एंड वेरी डिग्री ऑफ प्योरी वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब ये बोल रहा है कि हम दो तरह से काम करते हैं, एक तो होता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल, एक होता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल। इसमें दो में बताया है कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, अशुद्ध
देखिए इसको कहते हैं सोर्स ऑफ इंप्योरिटी का अशुद्धियों का स्रोत। स्रोत ठीक है, स्रोत है, इसको कहते हैं अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव ठीक है दोस्तों, ये दो चीज में बांट दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो शुद्ध, हम लोग मान लीजिए हम लोग गेहूं, आप लोग बोते हैं गेहूं धान बोते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है हम लोग चावल लाने पर और चावल बना के खाने में। तो उसी तरह यह है मेडिसिन का लाइन, क्योंकि उसको हम लोग ढूंढते हैं, उसको अच्छा मटेरियल लाते हैं, उसको प्योर करते हैं मटेरियल को, उसको अच्छा से अच्छा बनाते हैं, फिजिकल और में मिलता है ठीक है, फिजियोलॉजी और केमिकल पदार्थ में मिलता है, जो केमिकल पदार्थ में मिलता है उसको हमको बनाने में, जैसे आप लोग धान, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आप लोग तो खेत में किसान के जो बच्चे होंगे तो लोग समझ रहे होंगे कि कितना मेहनत लगता है। उसी तरह ये भी प्रोसेस है, जैसे हम लोग धान को उगाते हैं, उसको काटते हैं, उसको मतलब मशीन से उसको क्लीन करते हैं, धुआं मतलब अलग अलग करके, बच्चे डिफरेंट आप लोग उस पर ले जाके और अच्छे से समझिएगा। उसी तरह ये है कि हम लोग जो भी मटेरियल लेते हैं उसको क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसको अच्छा से बनाते हैं और उसको बना के और टेस्ट कराते हैं ये आम मतलब आम आदमी पर काम कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह ये जो है इंप्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कि इतना मेहनत करता है, डिफिकल्ट होता है, बट हम लोगों को काम नहीं छोड़ना है क्योंकि हम लोग काम करेंगे सेल्फली, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन द मोस्ट प्योर सबस्टेंस, जो हम लोग सबस्टेंस बनाते हैं वो वेरी डिफिकल्ट मतलब बहुत कठिनाई होता है, इसीलिए थोड़ा लेट मतलब कठिनाई होता है, बट अच्छा सोचता है बनाने के लिए, डिफिकल्ट तो होता है दोस्तों ठीक है। दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आना चाहता है जरूर आए और मेहनत करे और अच्छा सा डिग्री ले, और अच्छा सा डिग्री लेके मेडिकल और मतलब लाइन में घुसे और बनाए उसको प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे। नमस्कार दोस्तों, जिसमें हम लोग आपको बताऊंगा अशुद्धियों का स्रोत कैसा होता है, अशुद्धियों का प्रभाव क्या होता है। अशुद्धियों का स्रोत यह होता है कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल लेके आए, उसको मतलब स्टोर कर दिए, अच्छा से मतलब स्टोर कर दीजिए, उसको बारे में प्रभाव ला देखिए और स्टोर कीजिए, उसके मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टोर कर देते हैं। अशुद्धियों का स्रोत ये होता है, उसका क्या क्या काम है, मतलब अशुद्धियों में जो मान लीजिए एक सांप जहर से कैसे हम लोग दवा बना लिए, उसी तरह ये है कि अशुद्धियों से हम लोग पता करते हैं क्या क्या मेडिसिन बन सकता है उसके बारे में जानते हैं, पहले इसको स्टोर कर देते हैं, उसके बाद इफेक्ट ये जानते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है अशुद्धियों का उसके बारे में जानते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो इसको अशुद्धियों का प्रभाव फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो इसके बारे में हम बताऊंगा कि मान लीजिए जो आप लोग जो सांप के कटने से तो आप लोग मर जाते हैं, बाकी सांप को कटने से सांप की जहर से तो मेडिसिन बना है उसको ही मतलब काट बना है, जो सांप काट देगा उसको काटने से जहर मतलब उसी का इफेक्ट करने के लिए बना है। तो दोस्तों ऐसा ही है ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। चलिए इसके बाद हम लोगों इसको खत्म करके जल्दी से हम नया सिलेबस या मतलब दूसरा सेकेंड चैप्टर अभी लिमिटेड है उसको खत्म करूंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।